हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे आज उसके कॉजेस से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के तो इसमें सबसे पहला कॉज है एनवायरमेंटल मॉडल एनवायरमेंटल मॉडल में ये बताया है कि पुअर लर्निंग एनवायरमेंट हो अगर किसी बच्चे का जैसे अनस्टेबल फैमिलीज़ होती है ना पेरेंट्स में झगड़ा हो जाता है सेपरेट हो जाते हैं या फिर डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे जो है प्रॉपर स्कूलिंग लर्निंग नहीं कर पाते हैं फॉल्टी स्कूल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं ये रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि बच्चों को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है बच्चे की मेंटल केपेबिलिटीज़ के ऊपर एंड दिस मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लाइज इन द चेंज इन एन्वायरमेंट तो ये मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप किसी की लर्निंग डिसेबिलिटी सिर्फ उसका एनवायरनमेंट चेंज करके ही ठीक कर दो जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ़ एक एनवायरनमेंट आप उसका अगर चेंज कर दोगे तो उसकी डिसेबिलिटी दूर हो जाएगी तो उसको प्रॉपर स्कूलिंग दे दो या जो अनहेल्दी इंफ्लुसेज़ हैं उसकी लाइफ में जैसे कि घर का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है या पुअर इंस्ट्रक्शन स्कूल से मिलती हैं इस तरह की चीज़ें अगर आप उसकी चेंज कर दो तो हो सकता है आप उसकी डिसेबिलिटी दूर कर सको दूसरा मॉडल है जो कहते हैं कि ब्रेन डैमेज होने की वजह से होती है जो लिखा हुआ है कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सस्टेंड ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डैमेज तो ज़्यादातर बच्चों का लिखा है कि एन्वायरमेंट तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि एन्वायरमेंट बहुत कम कॉजेज होते हैं जिससे प्रॉपर डिसेबिलिटी हो जाए लेकिन अगर ब्रेन डैमेज है या न्यूरोलॉजिकल डैमेज है जिसको इन्होंने नाम दिया है मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन क्योंकि उसमें न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के फंक्शन जो है वो डैमेज होते हैं तो ये हो सकता है कि लर्निंग uh, डिसेबिलिटी का रीजन हो इट इज एज्यूम दैट द चाइल्ड मे हैव एक्सपीरियंस इंजरी टू द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग द बर्थ और बिफोर बर्थ अब यहाँ तो बर्थ के टाइम या बर्थ से पहले ही uh, कुछ इंजरी हो गई हो बच्चे को या उसकी सेंटर नर्वस सिस्टम में कुछ इंजरी हो गई हो तो उसमें भी केसेस होते हैं कि बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस हो जाएं। तीसरा मॉडल है ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मॉडल ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मॉडल ये बोलता है कि जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना फूड कलरिंग में जैसे हम उल्टे सीधी चीज़ें खाते हैं बाहर से उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम हमारी हेल्थ को बहुत डैमेज कर सकते हैं और उसमें से फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं फ्लेवर डालने के लिए जो यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं हमारे अंदर के न्यूरो को या विटामिन इनको इम्बैलेंस कर देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बैलेंस मतलब उनकी जो रिलीज़ होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है न्यूरो की फिर होता है विटामिन डेफिशेंसी स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशेंसी हो जाती है अब अगर इन चीज़ों से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है तो इसमें तो बहुत बड़ा हमारा ही हमारी ही गलती है बहुत बड़ी क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम बाहर से खाना खाते हैं और यहाँ फिर स्पेशली जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उस टाइम पे अगर वो ध्यान नहीं रख रही हैं खाने का और वो बाहर से खाना पका के ज़्यादा खाती हैं घर का कम खा रही हैं तो उसमें ये सब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो बच्चे को भी उसका इफेक्ट हो जाता है सो डेवलपमेंट और मेचूरेशन अनप्रिपेयरनेस फॉर सर्टन टास्क इज़ ऑल्सो बिलीव्ड टू एंडेलाइज सम एल्डीज तो डेवलपमेंट में भी अगर कहीं पे बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा है किसी एक स्टेज में तो वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी ही होगी और जिसका कॉज हो सकता है फूड कलरिंग सब्सटेंसेस या फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस इस तरह की चीज़ें चौथा मॉडल है जेनेटिक मॉडल सजेस्ट एन इनहेरिटेड जेनेटिक इन्फ्लुएंस कि क्योंकि किसी के जेनेटिकली अगर किसी के अंदर ये प्रॉब्लम है और वो उसके बच्चे में भी आ जाए जैसे रीडिंग में प्रॉब्लम है लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उसमें जेनेटिक रीजंस होते हैं मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर टू डिस्कवर द रिलेशनशिप अब इसके ऊपर रिसर्च थोड़ी ज़्यादा चाहिए इतना ज़्यादा ये आ, इनके पास एविडेंट नहीं है इस चीज़ का कॉज तो ये तो कॉजेज हो सकते हैं लर्निंग डिसबिलिटी के जिसमें ज़्यादातर तो ब्रेन डैमेज या न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है और इन्वायरमेंटल मॉडल्स भी कई बार देखे गए हैं फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एल डी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी को लर्निंग डिसबिलिटी है अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी अर्ली ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स और ये सबसे ज़्यादा किन को पता चलता है टीचर्स को पता चलता है जल्दी से क्यों क्योंकि जब लर्निंग स्टार्ट होती है तभी बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी का पता चलता है ना तो उसमें फिर क्लास टीचर स्कूल साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ये सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअली कौन सी डिसेबिलिटी है और कितनी सीवियर है तो लर्निंग में जब प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ शुरू होती है कहीं ना कहीं इनको डाउट होता है टीचर्स को कि लर्निंग डिसेबिलिटी है फिर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है स्कूल के जो ये कंफर्म करता है कि एक्चुअली में डिसेबिलिटी है या बच्चा वैसे नहीं पढ़ रहा है फिर उसके बाद डॉक्टर्स या पेरेंट्स को पहले बताया जाता है इन्फॉर्म किया जाता है डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट बाय टीचर मे टेस्ट करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो यूज़ कर सकते हैं द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर असेसमेंट असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे बैचलर्स का इंटेलिजेंस स्केल है फॉर चिल्ड्रन थर्ड तो फॉर असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एक तो ये वाला टेस्ट हो गया दूसरा ये हो गया वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी रिवाइज वर्जन है जो किस चीज़ के लिए है ये अचीवमेंट इन रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स बाय एज एंड ग्रेड लेवल तो ये आपको एज और ग्रेड लेवल के हिसाब से मिल जाएगा तीसरा है कि ब्रैगेंस डायग्नोस्टिक इन्वेंट्री ऑफ बेसिक स्किल्स फॉर असेसमेंट ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्किल इन सीक्वेंस रीडिंग रेडीनेस रीडिंग लैंग्वेज आर्ट्स एंड मैथ तो ये तीन टेस्ट हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लर्निंग डिसेबिलिटी रिमीडियल प्रोग्राम्स क्या हैं रिमीडियल मतलब आप कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए डील किया जाए इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड तो एक तो ये है कि सारे बच्चों के साथ एक साथ क्लास में एवरेज बच्चों के साथ पढ़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए इंडिविजुलाइज्ड प्रोग्राम चाहिए होते हैं जो स्पेशली इनके लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार की गई हों रीडिंग में राइटिंग में मैथ में जिसमें भी इनको लर्निंग डिसबिलिटी है उसके हिसाब से तो किस तरह की टेक्निक्स होती हैं पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिस इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज टीचिंग स्ट्रैटेजी तो जैसे ही ये चीज़ पता चलती है कि लर्निंग प्रॉब्लम है किसी एक पर्टिकुलर टास्क में तो इंस्ट्रक्शंस कुछ तैयार की जाती हैं जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती हैं फॉलो करनी होती हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें इट इज़ इन स्टेप्स विद क्लियर गोल्स क्लियर गोल्स के साथ के हर स्टेप में क्या चीज़ अचीव करनी है और स्टेप बाय स्टेप उसको असेस भी किया जाता है फीडबैक और करेक्शन भी करी जाती है कि क्या उस स्टेप का कोई फर्क पड़ा है क्या उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है ओके कॉग्नेटिव इंस्ट्रक्शंस इज आल्सो यूज्ड। कॉग्नेटिव इंस्ट्रक्शंस भी uh, जो डीआई है डीआई DI मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उसके साथ साथ कॉग्नेटिव इंस्ट्रक्शन सी आई यूज करते हैं सी क्या होता है एम्फेसाइजेस एंटेंडिंग रिस्पॉन्डिंग रिहर्सिंग रिकॉलिंग ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन तो क्या होता है इसमें बच्चा अटेंड कितना कर रहा है अटेंशन पे ध्यान दिया जाता है रिस्पॉन्ड कितना कर रहा है रिहर्स कराया जाता है बार बार रिकॉल पूछा जाता है उससे एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन उसको फिर लिखवाया जाता है तो इस तरीके से डी के साथ साथ सी आए, दोनों चीज़ें यूज करते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मैथड में दूसरा रिमेडियल मेथड है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ मल्टी सेंसेशनरी का मतलब है आप उसको लर्निंग कराते हो तो उसके सारे सेंसेस यूज होने चाहिए हियरिंग टचिंग एंड मूवमेंट मतलब कि आप उसको जो लर्न करवा रहे हो वो सिर्फ बुक से नहीं करवाओगे आप उसको एक्चुअल में कुछ हाथ में प्रैक्टिकल चीज़ें दे के जैसे आप उसको अगर ये बता रहे हो कि स्क्वायर क्या होता है तो आप उसको एक स्क्वायर चीज़ हाथ में दोगे जिससे वो उसको देखेगा आप कानों में आपकी इंस्ट्रक्शन सुनेगा कि स्क्वायर इसको बोलते हैं जिसके चार साइड इक्वल होते हैं उसको टच करके देखेगा उसको मूव करके देखेगा जिससे अगर उसकी किसी एक सेंस में भी थोड़ी सी कमी है तो सारी सेंसेस मिल के हेल्प करेंगी उसको समझने में फिर होता है स्टडी स्किल ट्रेनिंग और मेटाकॉग्नेटिव स्किल्स असिस्ट स्टूडेंट इन लर्निंग हाउ टू टेक नोट्स टेस्ट एंड प्रिपेयर कॉम्पोजिशन एंड रिमेंबर टू ब्रिंग नेसेसरी मटीरियल्स तो ये एक पर्टिकुलर मेथड है जिसमें उनको सिखाया जाता है कि लर्निंग कैसे करनी है नोट्स कैसे बनाने हैं टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और ज़रूरी चीज़ें स्कूल में लेके आनी है वो कैसे हमेशा ध्यान रखना है फिर सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है जिसमें बच्चों को दूसरे पीयर्स के साथ कैसे मिलना जुलना है कैसे बैठना उठना है बड़े लोगों के साथ ये सब सिखाया जाता है फिर आती है इंक्लूजन स्ट्रैटेजीज Inclusion strategies are the provisions by state and national authorities that student with learning disability should be educated with non-disabled students of their age. अब इंक्लूजिव लर्निंग आपने बहुत बार सुना होगा inclusive टीचिंग या इंक्लूसिव लर्निंग इसका मतलब यही है इंक्लूजन स्ट्रैटेजीज इसमें नेशनल और स्टेट अथॉरिटीज़ ये डिक्लेयर कर देती हैं कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको नॉन डिसेबल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए सेम क्लास में बिठाए जाए लेकिन इंस्ट्रक्शंस अलग हो जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस कुछ अलग होने चाहिए लेकिन बैठेंगे वो साथ में उनको आप अलग रूम में नहीं बिठाओगे अलग से कि उनको फील हो जाए कि हम में कुछ प्रॉब्लम है एडिशनल इंस्ट्रक्शंस रिसोर्सेज कैन बी यूज एडिशनल इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो रिसोर्सेज यूज कर सकते हो उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशली एक्सेप्शनल uh, बच्चों के लिए बनाई हो इंस्ट्रक्शंस और टीचर्स को इस तरह के मेथड यूज़ करने चाहिए जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो और वो पार्टिसिपेट करे बाकी बच्चों के साथ अब इसमें क्या होता है कि बाकी बच्च, अपने पीयर ग्रुप से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है इसलिए ये ज़रूरी है कि इंक्लूजन होना चाहिए फिर है पीयर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन तो पीयर मीडिएटेड मतलब क्या होता है कि अपने पीयर से आपने उसके फ्रेंड को बोल दिया कि आप इसको समझाओ क्योंकि उस फ्रेंड का भी अभी उतना ही लेवल है वो उसको अच्छे से समझा पाएगा कि जो उसको समझ में आ गया है या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड मतलब कंप्यूटर के थ्रू तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ करी जाती हैं कहीं पे कुछ काम आती हैं कहीं पे कुछ सूट करती हैं मतलब सारी स्ट्रैटेजीज हर जगह यूज़ करना मुश्किल हो जाता है बच्चों की नीड्स और फैसिलिटीज़ कितनी हैं स्कूल में उस पर डिपेंड करता है अब आगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट दी स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी दैट फॉलोइंग टर्म्स डिनोट तो डिसलेक्सिया क्या होता है रीडिंग में डिसेबिलिटी होती है डिस्ग्राफिया राइटिंग में डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स स्किल्स में सेकेंड क्वेश्चन है assertion है कि लर्निंग disability is defined as वन और मोर सिग्निफिकेंट डिफेक्ट्स इन essential लर्निंग प्रोसेस और रीजन क्या है लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन आर नॉर्मल इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है एल में लाइज इन देयर वे ऑफ लर्निंग इन द परसेप्शन सिस्टम तो बहुत ही करेक्ट हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है वो भी बिल्कुल ठीक दिया है और रीजंस क्या हो सकते हैं कि उनकी लर्निंग और परसेप्शन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है बोथ आर करेक्ट ट्रू एंड फॉल्स है उसके बाद स्टूडेंट्स में शो प्रॉब्लम इन वन एरिया नॉट इन द अदर दिस इज़ ट्रू लर्निंग डिसेबिलिटी में हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हो सब में ना हो इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन ऑफ प्रोबेबल न्यूरोलॉजिकल ओरिजन न्यूरोलॉजिकल ओरिजन की है हमने ऊपर देखा था दिस इज़ ऑल्सो ट्रू डब्ल्यू आई एस सी थ्री इज यूज़ फॉर असेसमेंट ऑफ राइटिंग एंड मैथमेटिक्स ये फॉल्स है क्योंकि डब्ल्यू आई एस सी क्या होता है काग्नेटिव एबिलिटीज़ के लिए हमने ऊपर देखा था अभी तो ये काग्नेटिव एबिलिटीज के लिए होता है तो ये फॉल्स है मैथमेटिक्स के लिए नहीं होता फिर है इंक्लूजन स्ट्रैटजी शुड नॉट बी एम्फेसाइज बाय एन एजुकेटर ये भी फॉल्स है क्योंकि शुड बी एम्फेसाइज नॉट नहीं होना चाहिए तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बाद आता है मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन मतलब अगर आईक्यू टेस्ट में किसी बच्चे का स्कोर सेवेंटी जो कि एवरेज है उससे बिलो आए तो सेवेंटी या उससे बिलो स्कोर है अगर आई टेस्ट में तो उसको मेंटल मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता है इसमें भी सीवियरिटी अलग अलग होती है माइल्ड भी हो सकता है मॉडरेट भी हो सकता है सीवियर या प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा भी हो सकता है तो ये आई क्यू टेस्ट पे बेस्ड है मेंटल रिटार्डेशन कैसे पता चलती है आई क्यू टेस्ट के बेस पे इसमें आप इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते मोटिवेशनल सोशल इस तरह की चीज़ों पे आप नहीं बोल सकते ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए होता है टर्म्स लाइक एजुके एजुकेबल मैंटली रिटार्डेड एंड ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड और बेस्ड ओके तो इसमें बोल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड होते हैं जिनको आप एजुकेशन दे सकते हो वो एजुकेशन को समझ सकते हैं बेशक उनका आई क्यू बहुत कम है और कुछ होते हैं जो ट्रेनड मेंटली रिटार्डेड होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कॉजेज़ आर डिवाइडेड इन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज क्या काजेज़ हैं मैंटल रिटार्डेसन के दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं पहली कैटेगरी है फिजिकल एंड कल्चरल फेमिलियर कॉजेज तो पहला फिजिकल है और दूसरा है कल्चरल दो है फिजिकल में क्या आता है जैसे जेनेटिकली है या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है या ब्रेन डैमेज है जो बर्थ से पहले हो जाता है कई बार जो डिसीजेज हो जाते हैं बर्थ से पहले जैसे ड्रग्स एक्सपोजर हो गया अगर मदर ड्रग्स लेती है मेल न्यूट्रिशन हो गया या मदर को कोई डिसीज है या बर्थ के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तो सारे हो गए फिजिकल कॉजेज और उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल केसेस आर ऑफ सीवियर एंड प्रोफाउंड ये कह रहे हैं अगर बहुत ही सीवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है ना तो उसका कॉज़ ज़्यादातर फिजिकली होता है कल्चरल कॉजिज़ में क्या होता है जैसे कि कल्चर uh, में अग, मतलब फैमिली में कुछ इस तरह के रीजंस है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट है डिप्राइव कह सकते हो आपकी किसी चीज़ की कमी है या फिर कुछ एनवायरमेंट या घर का माहौल ख़राब है या मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो ग्रोथ को प्रॉपरली वो करे सपोर्ट करे तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जो रिटार्डेशन का कॉज होती हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाती है मेंटल रिटार्डेशन की तो इसमें टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन दो टाइप की असेसमेंट है एक होती एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट पहले करते हैं जिससे पता चलता है कि उसका इंटेलिजेंस बहुत लो है उसके अलावा एक अडेप्टिव बिहेवियर भी चेक करना ज़रूरी है अडेप्टिव बिहेवियर मतलब ठीक है इंटेलिजेंस लो है लेकिन क्या पता वो खाली इंटेलिजेंस लेवल पर लो हो बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छे हों तो क्या वो अडेप्ट भी नहीं कर पाते अपने अनवायरमेंट में कोई और भी प्रॉब्लम है उनके अंदर अगर वो वैसे सिर्फ इंटेलिजेंस में कम है लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं हर जगह बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं तो आप उसको मेंटली रिटार्डेड बिल्कुल नहीं कहोगे ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटेलिजेंस में कम हो सिर्फ और वैसे वो ना सब कुछ चीज़ें कर पा रहा हो तो वो मेंटली रिटार्ड है इसलिए दूसरा टेस्ट अडाप्टिव बिहेवियर वाला भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि स्टूडेंट को आप एक ही टेस्ट के बेस पे लेबल नहीं दे सकते कि वो मेंटली रिटार्डेड है ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेंटली रिटार्डेड में दो चीज़ें जरूरी हैं इंटेलिजेंस और अडाप्टिव बिहेवियर अडेप्टिव बिहेवियर में अगर कोई कमी नहीं है तो आप उसको मेंटली रिटार्डेड नहीं कहोगे इंटेलिजेंस के लिए किस तरह के टेस्ट यूज होते हैं सबसे ज़्यादा फेमस टेस्ट हमें जो पता है स्टैंड फॉर बिन इंटेलिजेंस स्केल होता है उसके बाद बैचलर ने भी अपना इंटेलिजेंस स्केल बनाया था बच्चों के लिए कॉफमैंस असेसमेंट बैटरी भी है तो ये तो हो गई इंटेलिजेंस के लिए तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस देखी जाएगी सेवेंटी के अबव आ रही है बिलो आ रही है कितना आ रहा है आई क्यू फिर आते हैं अडेप्टिव बिहेवियर के लिए तो अडाप्टिव बिहेवियर में आ जाते हैं विन लैंड का अडेप्टिव बिहेवियर स्केल इसमें एक चेकलिस्ट होती है बहुत सारी चीज़ें होती है क्या ये बच्चा कर सकता है क्या वो बच्चा अपने आप तैयार हो सकता है क्या वो बच्चा कपड़े अपने आप बदल सकता है क्या वो अपने आप खाना खा लेता है क्या वो अपने आप इधर से उधर जा पाता है कम्युनिकेट कर पाता है इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर वो सब नॉर्मली कर रहा है तो वो मेंटली रिटार्डेड बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहा है अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा है किसी तरीके से जिस एज में एक्चुअली इसमें एज वाइज होता है अब जैसे इसमें पूछा हुआ है पाँच साल का बच्चा कि अपने आप शर्ट पहन लेता है अगर वो नहीं पहन पा रहा है उसको नहीं आ रही है पहननी दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है ऐसे ही एक और टेस्ट है बिहेवियर स्केल पब्लिक स्कूल वर्जन है इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो ए बी एस पी एस वैसे विनलैंड काफ़ी पॉपुलर है और ये वाला जो है अडाप्टि बिहेवियर स्केल दिस इज़ एन स्केल एन आउट ग्रोथ ऑफ अ प्रोजेक्ट बिगेन इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव बाई पार्सन स्टेट हॉस्पिटल एंड अमेरिकन एसोसिएशन तो ये इनका प्रोजेक्ट था जिनमें जिन्होंने ये डेवलप किया था ये स्केल ये मेजर करने के लिए कि जो बच्चे हैं उनका अडाप्टिव बिहेवियर कैसा है तो इसको रिवाइज़ किया गया है नाइनटीन सेवेंटी फोर में लैमबार्ट ने रिवाइज़ किया है इन ऑर्डर टू यूज़ फॉर पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन क्योंकि इसमें पब्लिक स्कूल नाम इसलिए है क्योंकि ये स्पेशली किनके लिए है पब्लिक स्कूल बच्चों के ऊपर यूज़ करने के लिए उनकी मेंटल रिटार्डेशन लेवल चेक करने के लिए यूजिंग क्लास टीचर एज इंफॉर्मेंट दिस टेस्ट मेजर्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग फिजिकल डेवलपमेंट इकनॉमिक एक्टिविटी लैंग्वेज डेवलपमेंट ये सब चीज़ें टाइम वोकेशनल एक्टिविटी इसमें टीचर का भी रोल होता है असेसिंग में टीचर को यूज़ किया जाता है वो इसमें हेल्प करती है बच्चों को असेस करने में ये सब चीज़ें असेस करने के बाद ये तो हो गया इसका पार्ट वन एक तो पार्ट वन में पॉजिटिव चीज़ें सारी किस तरह डेवलप हो रहा है क्या सब है पार्ट टू में थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर देखा जाता है कि कितना वायलेंट है बच्चा कितना डिस्ट्रक्टिव है एंटी सोशल बिहेवियर में पार्ट लेता है क्या रेबेलियस नेचर का है बच्चा बहुत बहस करता है झगड़ा करता है विड्रॉल है क्या अलग दूर दूर अकेला बैठना पसंद करता है ज़्यादा या स्टीरियोटाइप बिहेवियर है मतलब नेगेटिव साइड ज़्यादा देखी जा रही है तो पार्ट टू में नेगेटिव साइड ज़्यादा देखते हैं कोई डिस्टर्बेंस है साइकोलॉजिकल या हाइपर एक्टिव टेंडेंसीज हैं या कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है तो पार्ट वन में पॉजिटिव साइड देखी जाती है पार्ट टू में नेगेटिव साइड देखी जाती है दोनों चीज़ों को आपस में रख के फिर अडाप्टिव बिहेवियर का स्केल से कंपेयर किया जाता है तो इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं अब मेंटल रिटार्डेशन के सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एंड मेंटल रिटार्डेशन बिगेन विद अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर फैमिलीज तो अर्ली इंटरवेंशन मतलब इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट हो गया तो ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल लेवल से ही ट्रीट किया जा सके प्री स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं प्री स्कूल मतलब स्कूल लेवल से पहले के जिसमें उनको स्कूल के लिए तैयार किया जाता है सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं फिर रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग प्रोग्राम है जैसे आप काउंटिंग कर सकते हो एक हो गया प्री स्कूल प्रोग्राम दूसरा हो गया रेगुलर स्कूल प्रोग्राम ये माइल्ड और मॉडरेट रिटार रिटार्डेशन वाले बच्चों के लिए जिसमें माइल्ड लेवल होता है ज़्यादा सीवियर नहीं होता उनको आप इंडिविजुअलाइज एकेडमिक और फंक्शनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें स्पेशली उनके लिए इंस्ट्रक्शन तैयार की गई हो जिनमें मेंटल रिटार्डेशन है फिर आता है तीसरा रिसोर्स रूम प्रोग्राम रिसोर्स रूम होता है जहाँ पे बच्चे के लिए रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे जो उसकी हेल्प कर सके जैसे बहुत सारी चीजें रखी होती है बुक्स होती हैं प्रैक्टिकल थिंग्स होते हैं जिसको वो एक्सप्लोर कर सकता है देख के सेल्फ चौथा आ गया सेल्फ कंटेनमेंट क्लासरूम प्रोग्राम ये भी मॉडरेट और सीवियरली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए है जिसमें एक अलग से मतलब एक क्लासरूम बनाया गया यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के नहीं पड़ेगा अलग क्लासरूम है क्योंकि सीवियर है बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन तो ये अप्रोप्रिएट होता है उन लोगों के लिए और जो करिकुलम होता है फिर इनके हिसाब से भी डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो इन बच्चों को भी सूट करे क्योंकि ये नॉर्मल पेस पे नहीं पढ़ पाते हैं जितने एक एवरेज बच्चे पढ़ते हैं क्या इंक्लूड होता है इनके करिकुलम में रीडिंग होती है अर्थमेटिक होता है साइंस होता है ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं पढ़ाने क्योंकि तो ये सारी चीज़ें होती हैं फुल इंक्लूजन प्रोग्राम्स एंड इंडिविजुलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बहुत आर यूज़ टूगैदर तो दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ की जाती है एक तो फुल इंक्लूजन मतलब कुछ क्लासेज इनकी होती है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के और कुछ होती हैं स्पेशल अलग से जो इनके लिए स्पेशली जो चीज़ डिज़ाइन की गई है तो वो क्लासेस इनकी अलग होती हैं बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू डिक्रीज डिस्ट्रप्टिव एंड इनप्रोप्रिएट बिहेवियर तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम्स तो ये आपका आ जाएगा नंबर फाइव फाइव नंबर पे आ जाएगा आपका बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम सॉरी बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम जो यूज़ होते हैं डिस्ट्रप्टिव एंड इनप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक करने के लिए जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो हमने लर्निंग वाले चैप्टर में पढ़ी हैं जिसमें शेपिंग टाइप के टेक्निक्स यूज होती हैं तो ये था मेंटल रिटार्डेशन के रेमिडियल प्रोग्राम तो इस वीडियो को एंड करने से पहले ये छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अटेंशन डेफिसिट स्टार्ट करेंगे तो इसमें लिखा हुआ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए इन बच्चों के लिए टीचर्स को टीचर कैन यूज़ सेम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर रिटारडेड चिल्ड्रन एज यूज़ फॉर नॉन रिटार्डेड बट दे मे रिक्वायर मोर टाइम तो कह रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस तो सेम हो सकती हैं जो आप नॉर्मल बच्चों के लिए यूज़ करते हो लेकिन जो रिटार्डेड है उनके लिए क्या होगा थोड़ा सा टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और यह ऑब्वियसली बात है कि उनके बच्चों के लिए टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेगा फोकस किस पे हो सकता है करिकुलम फंक्शनल टास्क पर फंक्शनल टास्क जैसे कि रीडिंग में इंक्लूड साइंस फॉर वन स्टूडेंट एंड सेक्शन ऑफ न्यूज पेपर फॉर अनदर तो आप जैसे कुछ बच्चों को आप साइन से समझा सकते हो रीडिंग में जो पढ़ के नहीं समझ पाते हैं ढंग से जेस्चर्स को यूज़ करके समझा सकते हो कुछ को आप न्यूज़पेपर रीडिंग का सेक्शन दे सकते हो तो ये अलग अलग फोकस अलग अलग टाइप से होगा टीचर मस्ट हैव दी नॉलेज ऑफ ईच स्टूडेंट्स एबिलिटी तो हर बच्चे की क्या एबिलिटी है वो टीचर को पता होनी चाहिए ताकि वो उसके हिसाब से जो डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम है उसको यूज़ कर सके टीचर मस्ट स्ट्रक्चर लर्निंग सिचुएशन एंड रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस तो क्लास में डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होनी चाहिए और लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए टीचर मस्ट प्रेजेंट मटेरियल क्लियरली सिक्वेंशली विथ पॉजिटिव रीनफोर्समेंट एक तो क्लियरली प्रेजेंट करें इंस्ट्रक्शंस जो भी टीचर दे रही है सीक्वेंस में करें ईजी से स्टार्ट करते हुए और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने हैं पॉजिटिव री देनी है बिल्कुल जब बच्चा करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको पॉजिटिव री बहुत ज़रूरी है देनी अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है तो टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक फर्दर एफर्ट एंड रीवेलुएट द प्रोग्राम तो अगर बच्चा बाई चांस बार बार इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है तो टीचर को उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाने के लिए एनकरेज करना चाहिए और रीवेलुएट करना चाहिए कि क्या प्रोग्राम जो यूज़ कर रही है उसके लिए सही है या उसको कुछ और यूज़ करना है क्या ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है इस बच्चे की नीड को सूट कर रही है कि हो सकता है इसके नीड के हिसाब से कुछ और सूट करे इसलिए वो बार बार गलत बोल रहा है तो इस तरीके से पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए इस केस में टीचर को टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा देना है तो मेंटल रिटार्डेशन का टॉपिक खत्म हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो लेंगे डिसऑर्डर वो लेंगे अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर थैंक्स फॉर वॉचिंग